गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाओं पर बात की थी, उसी को आगे बढ़ा रहे समझना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए तरंग संख्या न्यू बार की गणना। न्यू बार ज्ञात हो गया तो लैम्डा बराबर होता है न्यू बार, लैम्डा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी गणना करें कैसे समझना, बिल्कुल आराम से समझना। बोर अभिकृत का थर्ड पॉइंट था डेल्टा ई बराबर E2 - E1। ये बोर परिकल्पना का तीसरा बिंदु था ऊर्जा वाले में, डेल्टा ई बराबर E2 - E1। इसी को मैंने विद्युत चुंबक के विकिरण के हिसाब से फोटोन की ऊर्जा ली थी एच न्यू। ये तीसरे अभिकृत में एज इट इज लिखा हुआ था डेल्टा ई बराबर E2 - E1 बराबर एच न्यू। आवृत्ति बराबर होती है एच एज इट इज, आवृत्ति बराबर है सी अपॉन लेमडा, समीकरण नंबर 1 सी अपॉन लेमडा। अब एस से समझो E2 - E1 बराबर है एच सी अपॉन लेमडा के। समीकरण 1 में एच सी अपॉन लेमडा किसके बराबर है, E2 - E1। तो समझना, अगर मैं इसको एस से लिखूं एच सी अपॉन लेमडा किसके बराबर होगा, एच सी अपॉन लेमडा E2 - E1 के बराबर होगा। देख लो एच सी अपॉन लेमडा बराबर E2 - E1। ऊर्जा की गणना कैसे की थी, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो ऊर्जा वाले वीडियो में देखना, एन कोस की जो ऊर्जा आई थी वो ये आई थी -2π² एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये अपने बोर परिकल्पना से त्रिज्या की गणना की थी, वेग की गणना की थी, लास्ट ऊर्जा की गणना की थी, ऊर्जा के न्यूमेरिकल दिए थे, फिर स्टॉप करके अपने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आ गए थे। वहां से चेक करना ये ऊर्जा का सूत्र था। अगर मैं पहले कोष की बात करूं या निम्न कोष की बात करता हूं किसी भी कोष की, तो यहां पे मान लीजिए मैं लिखता हूं E1 तो यहां E1, उच्च कोष के लिए मैं यहां लेता हूं E2 तो यहां ले लूंगा N2। मतलब मेरे पास मेरे दो अलग अलग कोष की लेनी है, एक निम्न कोष की N1 की, एक उच्च कोष की। तो एक बार E1 की जगह तो N1, E2 लिखूंगा तो यहां पे क्या जाएगा N2। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, समझना E2 की वैल्यू लिख रहा हूं -2π² एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4। कंपटीशन बुक में के स्क्वेयर भी लिखते हैं, के की वैल्यू होती है 1/4 ε₀, वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम इनवर्स स्क्वेयर। उसी को सीजीएस में लेते तो एक आते, तो वो के की जरूरत नहीं है आपने को। अपॉन N2 स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये मैंने एज इट इज ये ऊर्जा वाला सूत्र लिया है, इस सूत्र को मैंने एज इट इज लिया है। N2 था तो E2 हो गया, -E1 की बात करें तो माइनस साइन तो ये आ गया। अब E1 के लिए सेम चीज लिखने, -2π² एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा N1 स्क्वेयर एच स्क्वेयर, समीकरण नंबर 2। अब ऐसे समझो एच सी अपॉन लेमडा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो मैंने प्लस वाले को पहले लिखा 2π² एम
जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा एन वन का स्क्वेयर एच स्क्वेयर माइनस, इसको लिख दो 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा एन वन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, ऊर्जा का सूत्र केवल एन वन एन टू लिखा है, बाकी ई बराबर क्या होता है वो आपको पता है। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा वो चेक करो, इसमें कॉमन आएगा 2 पाई स्क्वेयर एम ई की पावर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा एच स्क्वेयर, ये अपने पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 एच स्क्वेयर दोनों में कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा 1 बट्टा एन वन का स्क्वेयर माइनस 1 बट्टा एन टू का स्क्वेयर। समीकरण नंबर दे देते इसको 3, समीकरण नंबर कितना आ गया 3। कुछ नहीं किया, ये तो पहले से पता था, ऊर्जा का सूत्र पहले से पता है, तो ये नियतांक निकाल लिया। अब इसमें समझो एच सी, इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन लेमडा। समझना, इस एच सी को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो इधर एच सी ऊपर है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो इधर केवल बचा 1 अपॉन लेमडा, ये एच सी इधर ला रहे हैं 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा एच सी इधर आया, तो बट्टा में सी तो एज इट इज आ गया, एच स्क्वेयर और एच मिलकर बन गया एच क्यूब। ब्रैकेट में 1 बट्टा एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बट्टा एन टू स्क्वेयर। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर कितनी होगी 4। अब समझना ध्यान से, ये जो है ये वाला, इस पूरे को हल करें, मान लगा कर पाई का मान लगा दो, प्रकाश का वेग लगा दो, एच की वैल्यू लगा दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगा दो, सब कुछ वैल्यू लगा दो, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1 अपॉन लेमडा। इसकी वैल्यू को मैं इसी आर लिख देता हूं, इस पूरे पद को मैंने क्या लिख दिया आर, 1 बट्टा एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बट्टा एन टू स्क्वेयर। समीकरण नंबर 5, आर किसकी जगह लिखा, 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बट्टा सी एच क्यूब की जगह। इस आर को बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 109,678 हाइड्रोजन के लिए, 109,678, बट गणना करते समय 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स से करनी है गणना आपको। अगर मान दिया हुआ है एग्जाम में रिडबर्ग नियतांक का मान दिया हुआ है, तब तो जो दिया हुआ वो लगाना है 109,600, 109,678, 109,680, नहीं दिया हुआ है तो ये याद रखो 109,700। अब मैं ये समझो कि इसकी 1 अपॉन लेमडा की जगह क्या ले सकते हो, तरंग संख्या। ऐसे था, तरंग संख्या बराबर था 1 अपॉन लेमडा, तो मैं यहां 1 अपॉन लेमडा की जगह तरंग संख्या लिख देता हूं, क्या लिख दूं, तरंग संख्या की गणना करनी थी। तो इसी सूत्र को ध्यान से समझना, नेक्स्ट पेज पे अपने पास ये सूत्र आ गया, तरंग संख्या बराबर रिडबर्ग नियतांक 1 बट्टा n1 स्क्वेयर माइनस 1 बट्टा n2 स्क्वेयर। ये फाइनल सूत्र आपको याद रखना है, तरंग संख्या ज्ञात करनी है तो ये, लेमडा ज्ञात करना है तो इसकी जगह 1 अपॉन लेमडा लिख दो पीछे वाला सूत्र। अब इस सूत्र में आपकी कंफ्यूजन कहां आ सकती है वो समझना, आपको इतना तो पता चल गया सूत्र ये आएगा न्यू बार बराबर आर 1 बट्टा n माइनस 1 बट्टा n, न्यू बार बराबर
आर एक बट्टा एन माइनस एक बट्टा एन। गलती कहां हो सकती है वो समझना, या तो आप इसको ऐसे लिख दोगे एन टू स्क्वेयर एन वन स्क्वेयर, या ऐसे लिख दोगे एन वन स्क्वेयर एन टू स्क्वेयर। एन वन का मतलब है निम्न कोष, एन टू का मतलब है उच्च कोष, उच्च कोष मतलब n की वैल्यू कम है वो n1 है, ज्यादा वाला उच्च कोष n2 है। तो अब आपके इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो सकती, ये तो पता है r आएगा अंदर एक बट्टा n माइनस एक बट्टा n, अब 2 माइनस वन है या 1 माइनस टू ये आपको पता करना है। तो पता करने का तरीका समझना, r की जगह तो r रख दिया, ब्रैकेट में देखो एक बट्टा उच्च मान माइनस एक बट्टा निम्न मान, ये तो आया इससे, ये वैल्यू ज्यादा है ये कम। बड़ी संख्या को एक में घटाओगे तो आंसर छोटा आएगा, जैसे एक बट्टा दस, एक बट्टा पांच, इसका आंसर आएगा पॉइंट एक, इसका आंसर आएगा पॉइंट दो। बड़ी संख्या का भाग दे रहे हो आंसर कम, छोटी का भाग दे रहे हो आंसर ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि भाग देने के बाद लिखते हो तो यहां पे आएगा, यहां पे निम्न मान, यहां पे आएगा उच्च मान, उच्च। अब देखो कम में से ज्यादा घटाया तो यहां जो आपका मान आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस वाला बड़ा था, माइनस वैल्यू माइनस मान, आर को माइनस से गुणा करोगे माइनस आर इंटू मान। तरंग संख्या का आंसर किस में आ गया, माइनस। क्या थी तरंग संख्या, एक सेंटीमीटर में बनने वाले तरंगों की संख्या। तो या तो एक सेंटीमीटर में तरंग एक भी नहीं बनेगी या एक से ज्यादा बन जाएगी, ऐसे इसका मतलब तरंग संख्या का आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस आएगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसमें देखो आर एक बट्टा कम, एक बट्टा कम का मतलब अधिक आएगा, माइनस एक बट्टा अधिक मतलब कम आएगा, यहां प्लस की वैल्यू ज्यादा है, आंसर प्लस में आएगा। अब इसकी इकाई की बात करें वो समझना, इकाई कैसे ले, ध्यान से समझना। कोसों की संख्या, पहला कोस, दूसरा कोस, तीसरा कोस, तो कोसों की संख्या की कोई इकाई नहीं है तो ये इकाई विहीन है, इसका मतलब तरंग संख्या बराबर आर की इकाई होगी। तरंग संख्या की इकाई एक बट्टा लेमडा होता है, मतलब एक बट्टा सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब जो तरंग संख्या की इकाई है वही आर की इकाई है, इसलिए मैंने यहां सेंटीमीटर इनवर्स लिखा था। चलो यहां तक की बात आपके समझ आ गई। अब इस सूत्र से समझना, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन अपॉन लैम्डा, बात समझ में आ रही, चाहे आप एक बट्टा न्यू बार लिख दो चाहे एक बट्टा लैम्डा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अपने आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं, तरंग संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करते वो समझना। इस सूत्र से सबसे पहले मैंने तरंग संख्या ज्ञात कर ली, तरंग संख्या बराबर आ रही है, ये ज्ञात होती मैंने लेमडा ज्ञात कर लिया वन अपॉन न्यू बार से, लेमडा ज्ञात होती मैंने आवृत्ति ज्ञात कर ली सी अपॉन लेमडा से, आवृत्ति ज्ञात होती मैं ऊर्जा ज्ञात कर लूंगा ई बराबर एच न्यू, ये नियतांक है इसका मान आ गया। तो कल जो मैं स्पेक्ट्रम लाइन ले रहा था, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, वहां मैंने केवल दो ही वैल्यू लिखी थी, कौन कौन सी, एन वन और एन टू की, और कुछ भी नहीं लिखा था। अब आज सारी चीजें अपने इससे क्लियर करेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन समझना ध्यान से, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, हाइड्रोजन के प्रत्येक, हाइड्रोजन के प्रत्येक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के प्रत्येक स्पेक्ट्रम श्रेणी की, श्रेणी की सबसे छोटी रेखा,
सबसे छोटी रेखा के लिए, सबसे छोटी रेखा के लिए, सबसे छोटी रेखा के लिए लैम्डा व तरंग संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के लिए प्रत्येक स्पेक्ट्रम श्रेणी की सबसे छोटी रेखा के लिए लैम्डा व तरंग संख्या का मान ज्ञात। अब ऐसे समझो, मैं पहली बात करूं लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान कितना होता है? एक। N2 का मान सबसे छोटी श्रेणी के लिए ले रहे हैं, सॉरी सबसे छोटी रेखा के लिए। तो सबसे छोटी रेखा कब बनती है? जब N1 प्लस 1 से आए। N2 का मान कितना हो? N1 प्लस 1, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो N2 का मान कितना है? 2। अब इसके लिए 1/λ या तरंग संख्या जो भी ज्ञात करना है, मान लो मैं पहले तरंग संख्या ज्ञात करता हूं, न्यू बार कितना आएगा, आर की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो। मैं चाहता तो आर की वैल्यू लिख देता 109,700। वैल्यू के मतलब नहीं, अपने केवल तुलना करनी है। ब्रैकेट में 1/ निम्न कोष 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर, ये आता 1/1, ये आता 1/4, 1/1 माइनस 1/4, एलसीएम क्या आएगा? 4 माइनस 1 3/4, तो ये आंसर आ गया 3/4 आर। न्यू बार तरंग संख्या का मान आया 3/4 आर। अब अगर मान लो मुझे लैम्डा ज्ञात करना होता, लैम्डा कितना आता? 1/ न्यू बार, तो एक में भाग देते हैं तो 1/3r/4 यानी कि 4/3r वैल्यू आ जाती है, 4/3r। ठीक है, ये तो लाइमन श्रेणी के लिए आई है। ऐसे आप सारी श्रेणी के लिए ज्ञात कर सकते हो, अपने दो के लिए ज्ञात करेंगे, पहली और लास्ट। पहली श्रेणी थी लाइमन, दूसरी बामर पाश्चर ब्रैकेट फंड। अब मैं फंड श्रेणी के लिए ज्ञात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। फंड श्रेणी एज पर रूल आपकी लेंथ के हिसाब से वहीं तक मानते हैं फंड तक, वैसे हेमरी सीरीज को भी मान सकते हैं, छठे नंबर उसको भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंड श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू कितनी आई? 5। सबसे छोटी रेखा की बात करें तो N2 का मान कितना होगा? 6। N1 5, N2 6। बामर की बात करता, N1 हो जाता 2, N2 हो जाता 3। ब्रैकेट के लिए N1 हो जाता 3, N2 हो जाता 6। मैं केवल 1 और 5 नंबर के लिए ज्ञात कर रहा हूं। न्यू बार बराबर आएगा R। N1 की वैल्यू है 5, 1/25 माइनस N2 की वैल्यू है 6, 1/6 का स्क्वायर 1/36, 1/36। कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन ऐसे मानो, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 25 भी डिवाइड हो जाए, 36 भी डिवाइड हो जाए। तो मान लो मैं कॉमन ये ले लेता हूं, ऐसे समझो 25 × 36, ये मैंने कॉमन ले लिया। एलसीएम, एलसीएम लिया 25 × 36, तो 25 से 25 कैंसिल, यहां आएगा 36 माइनस 36 से 36 कैंसिल, यहां आएगा 25, तो कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस 11, इनको गुणा कर लो 25 को 36 से, तो यहां पे अपने पास 900 आ गया बट्टा में, तो मैं इसकी वैल्यू सीधी लिख रहा हूं 11/900 r। तरंग संख्या का मान आया, ठीक है ना, यहां आया 3/4 r,
यहां 11 r/900 लेमडा लेता तो इसका रिवर्स कर देता, लेमडा क्या हो जाता 900 बट्टा 11 r. अब इन दोनों की मैं तुलना कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना, लाइमन के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए न्यू बार का मान आया 3/4 r, ठीक है, फंड के लिए न्यू बार का मान आया 11/900 r गुना। अब आप ये चेक करना कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 3/4 बड़ा है या 11/900 बड़ा है। तो अपने को सीधा सा पता है कि 3/4 बड़ा है, किससे, 11/900 से। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझना, लाइमन श्रेणी से, बहुत ध्यान से कनेक्ट करना इसको, लाइमन श्रेणी से फंड या हेम्ब्रिज श्रेणी की तरफ चले तो तरंग संख्या के मान में क्या हो रही है ये चेक करो, तरंग संख्या लाइमन श्रेणी के लिए तरंग संख्या है 3 r/4 और यहां है 11/900 तो ये तो मतलब 0.0 समथिंग आएगा, जबकि यहां पे 0.75 आ रहा था, इसका मतलब तरंग संख्या का मान कम हो रहा है। देख, तरंग संख्या कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आवृत्ति भी कम होगी। आवृत्ति कम हो रही है तो ऊर्जा भी कम होगी, इन चीजों में क्या आएगी कमी है। तो इनमें कमी आ रही है तो लैम्डा में क्या होगी, वृद्धि। रिजल्ट क्या निकला कि अगर समान रेखा की बात करें, समान रेखा की, चाहे वो सबसे छोटी हो चाहे वो सबसे बड़ी हो, मैं समान रेखा की बात कर रहा हूं, चाहे सबसे छोटी हो चाहे सबसे बड़ी हो, अगर रेखा समान है तो लाइमन श्रेणी के लिए इन तीनों चीजों की वैल्यू सबसे कम होगी, लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सॉरी इन चीजों की वैल्यू सबसे अधिक होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि लाइमन सीरीज से हेम्ब्रिज सीरीज की तरफ चलेंगे तो तरंग संख्या घटेगी, आवृत्ति घटेगी, ऊर्जा घटेगी, बट लैम्डा में वृद्धि होगी। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला वो समझना, लाइमन श्रेणी के लिए न्यू बार, न्यू एंड ऊर्जा अधिकतम होगी। हेम्ब्रिज श्रेणी के लिए लैम्डा, न्यू एंड एनर्जी न्यूनतम होगी। एक चीज लेके चलो, दूसरे को अपोजिट करना है। लाइमन के लिए ये चीजें अधिकतम है तो लैम्डा न्यूनतम होगा, इसके लिए ये चीजें न्यूनतम है तो लैम्डा अधिकतम होगा। अब मीनिंग क्या समझे इससे वो समझना। ये मेरे पास में प्रकाश के क्षेत्र है, समझना, यूवी विजिबल IR। अब उस लाइन को याद करना जो लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, क्या लाइन थी, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल। ध्यान से देखना, इसका मतलब है IR, इसका मतलब है विजिबल, इसका मतलब है यूवी। ये मैंने आपको आवृत्ति का बढ़ता क्रम बताया था, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसी है, पैराबैंगनी की, सबसे कम किसके, इन तीनों में IR, इसका मतलब इसके लिए आवृत्ति का मान अधिक होगा, इसके लिए आवृत्ति का मान कम होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, मतलब यूवी से IR की तरफ आवृत्ति घट रही है, यूवी से IR की तरफ आवृत्ति घट रही है। अब इसको देखो,
लाइमन श्रेणी के लिए आवृत्ति का मान अधिकतम होगा, हेमरिज श्रेणी के लिए आवृत्ति का मान या फंड श्रेणी के लिए आवृत्ति का मान सबसे कम होगा, क्योंकि जिसकी तरंग संख्या ज्यादा उसका लेमडा कम, उसकी आवृत्ति ज्यादा। इसका मतलब लाइमन श्रेणी की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला सबसे ज्यादा आवृत्ति में रहेगा। तो यहां यूवे में कौन सी लाइन होगी? लाइमन। इससे कम आवृत्ति है बामर की, इससे कम आवृत्ति विजिबल की, तो बामर श्रेणी किस में मिलेगी? विजिबल में। बामर श्रेणी किस में आ जाएगी? विजिबल में। आईआर की बात करें, इसमें ये सारी श्रेणियां मिलेगी। अगर आपकी इलेवंथ के हिसाब से देखें तो इसमें पहले आ गए लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी। तो ये तीनों कहां कहां पर है समझना। मान लीजिए ये रिलायंस मोबाइल है, सॉरी रिलायंस मॉल है, यहां आपका घर है, इधर से आप आ रहे हो, आप यहां पहुंच गए। अब घर से फोन आए कि कहां हो, तो आप कहोगे रिलायंस मोबाइल के पास। क्या शब्द आएगा? रिलायंस मोबाइल के पास। आप यहां पहुंच गए, अब फोन आया घर से, तब कहोगे रिलायंस मॉल के सामने। आप यहां पहुंच गए, अब घर से फोन आया, तब कहोगे रिलायंस मॉल से निकल रहा हूं। मतलब ये तो है रिलायंस मोबाइल के पास निकट, ये रिलायंस मॉल और ये दूरस्थ। तो इनको वैसे शब्द अलग अलग दे, तो अलग अलग शब्द में ऐसे याद रखना है। लाइमन श्रेणी यूवी क्षेत्र में होगी प्रकाश के, बामर श्रेणी विजिबल क्षेत्र में होगी, दृश्य क्षेत्र में होगी, पाश्चन श्रेणी निकट आईआर क्षेत्र में होगी, निकट आईआर, ब्रैकेट श्रेणी मध्य आईआर में होगी, फंड श्रेणी दूरस्थ आईआर में होगी, दूरस्थ आईआर, और हेमरी श्रेणी ले तो वो और आईआर फार अवे होगी, दूरस्थ आईआर। हेमरीज भी इसी में आएगी, हेमरी श्रेणी ये भी इसी में आती है। तो पहली लाइमन श्रेणी यूवी में आएगी, बामर विजिबल में आएगी, बाकी सारी आईआर में आएगी। एक बार सभी सीरीज के लिए मैं वापस लिख रहा हूं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और लास्ट थी हेमरी सीरीज। ये वैल्यू कल मैंने इनके लिए लिख दी थी, N1 बराबर 1, N2 बराबर 2, सॉरी N1, N1 2, N1 3, N1 4, N1 5, इसके लिए N1 था 6। N2 की वैल्यू कल मैंने बताई थी सबके लिए N+1 से अनंत तक, ये सबके लिए सेम थी। अब तीसरी चीज आज बता रहा हूं, कल जितना पढ़ा था मैंने कहा था बाकी चीजें इसकी कल पढ़ेंगे, तरंग संख्या का सूत्र पढ़ने के बाद। तो अब इसमें क्या लेंगे समझना, तीन नंबर लाइमन श्रेणी का वर्णन बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। लाइमन श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू 1 तथा N2 की वैल्यू N1+1 से अनंत तक होती है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 होगी। ये श्रेणी प्रकाश के यूवी क्षेत्र से में पाई जाती है, प्रकाश के यूवी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कितना कितना होगा वो आपको लिखकर कहना है। एक सीरीज के लिए मैं आपको बता देता हूं, बाकी सभी सीरीज के लिए आपको खुद को रटना है। एक के लिए मैं बता रहा हूं, लाइमन के लिए समझना, लाइमन के लिए तरंग संख्या बराबर आर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये सूत्र है। लाइमन श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू होती है 1, N2 की वैल्यू कितनी होगी वो समझना।
अगर मैं सबसे छोटी रेखा की बात करूं, इसका मतलब n2 का मान n1 प्लस 1 होगा, मतलब 2 होगा। अगर मैं सबसे बड़ी रेखा की बात करूं तो n2 का मान अनंत होगा। ये सबसे छोटी रेखा के लिए, ये सबसे बड़ी रेखा के लिए, सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब इस सूत्र से अभी मैंने ज्ञात किया था तरंग संख्या, ठीक है, r की जगह r इंटू, अभी इसको ज्ञात किया था छोटी रेखा के लिए 3/4 r, मतलब 3r/4। r का मान लिखो 109,700, तो 109,700 गुना 3/4, इसका मतलब ये मेरे पास तरंग संख्या का मान है 3r/4। अब सबसे बड़ी रेखा के लिए देखो, न्यू बार बराबर r की जगह r 1/1 का स्क्वायर 1, 1/अनंत का स्क्वायर। किसी भी संख्या में अनंत का भाग लगा दे तो वो 0 आ जाता है, तो ये आया 1-0, रिजल्ट क्या आया r। ये मेरे पास r का मान आया है। अगर मैं तरंग संख्या का मान लेता, सॉरी तरंग दैर्ध्य का मान लेता लेमडा, तो यहां लेमडा देखो कितना था, 1/ν^2, 1/3r/4, यानी कि 4/3r, ये लेमडा का मान है, ये तरंग संख्या का, ये लेमडा का, ये अधिकतम है तो ये न्यूनतम होगा। अब दूसरा देखो, इस सूत्र से न्यू बार बराबर r है तो लेमडा बराबर क्या होगा, 1/ν^1/r, 1/r। तो अब यहां लेमडा कितना आया वो समझना, 1.33/r, यहां लेमडा कितना है 1/r। ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो ज्यादा वैल्यू ये, कम वैल्यू कौन सी ये, तो ज्यादा किसके लिए आया लेमडा, सबसे छोटी रेखा के लिए, सबसे छोटी रेखा के लिए लेमडा अधिक होगा, लेमडा अधिक होगा तो ऊर्जा कम होगी। यहां लेमडा कम आया, लेमडा कम आया तो ऊर्जा अधिक होगी। यही कल मैंने आपको ऐसे बताया था, थोड़ा सा समझना, केवल लाइमन श्रेणी की बात कर रहा हूं, n बराबर 1 में आएगा, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, लास्ट इनफाइनेट से आ सकता है, ये इनफाइनेट कोस है। मैंने कहा था यहां से वही आएगा जिसके पास ऊर्जा ज्यादा हो, ऊर्जा अधिक हो। ऊर्जा अधिक कब होगी, जब आवृत्ति अधिक हो, आवृत्ति अधिक कब होगी, जब लेमडा कम हो। इसका मतलब आप किसी भी श्रेणी के लिए, चाहे वो लाइमन हो, चाहे बामर हो, चाहे पाशन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फंड हो, अगर आप छोटी रेखा से बड़ी रेखा की तरफ जाओगे, छोटी से बड़ी की तरफ, तो आवृत्ति तो बढ़ती जाएगी और लेमडा कम होता जाएगा। आवृत्ति बढ़ेगी, लेमडा कम होगा। तो अब लेमडा कितना कितना आया वो समझना, यहां आया 4/3r, यहां आया 1/r। तो यहां क्या लिख दूं मैं, लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम लेमडा कितना होगा, तो न्यूनतम लेमडा कितना हुआ 1/r, अधिकतम कितना हुआ 4/3r। अब ये लाइमन श्रेणी पूरी होगी, n1 का मान ये होगा, n2 का मान ये होगा, ये प्रकाश के यूवी क्षेत्र में मिलेगी, इसके लिए न्यूनतम लेमडा 1/r होगा, अधिकतम लेमडा 4/3r होगा। अगर तरंग संख्या पूछता तो उल्टा कर दो, तरंग संख्या के लिए ये हो जाता r अधिकतम और ये हो जाता न्यूनतम 3r/4। मैंने एक चीज लिखी है लेमडा, आप तरंग संख्या भी लिख सकते हो। अगर मैं यहां तरंग संख्या लिखना चाहता, देखो तरंग संख्या लिख देता हूं न्यू बार, जैसे मैं न्यू बार की बात करता तो वैल्यू क्या आती, न्यूनतम वैल्यू आती 3/4r और अधिकतम वैल्यू आती 1r। मतलब क्या निकला कि लाइमन श्रेणी की
सबसे छोटी रेखा से बड़ी रेखा की तरफ जाएंगे तो तरंग संख्या का मान बढ़ेगा, तरंग संख्या बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी, बट लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा इसका उल्टा है। ये अब लाइमन सीरीज की बात पूरी हो गई। सेम चीज मैं बामर श्रेणी के लिए लेता, अब हर सीरीज के लिए मैं ये तीन चीजें लूंगा। बामर श्रेणी प्रकाश के किस क्षेत्र में मिलेगी? दृश्य क्षेत्र में, विजिबल में। बामर श्रेणी का वर्णन क्या आएगा? इसके लिए n1 बराबर 2 तथा n2 बराबर 3 4 5 6 अनंत तक हो सकता है। ये प्रकाश के विजिबल क्षेत्र में मिलती है। इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम तरंग संख्या, न्यूनतम व अधिकतम तरंग संख्या लास्ट बता रहा हूं, उसके बाद आपको अपने आप करनी है, समझना। बामर, बामर के लिए n1 का मान 2 होगा, n2 का मान सबसे छोटी रेखा है तो 3 होगा, सबसे बड़ी है तो अनंत होगा। तो मैं पहले सबसे छोटी रेखा के लिए तरंग संख्या ज्ञात करूं, r 1/2 का स्क्वायर 4, 1/3 का स्क्वायर 9, नचौक 36, तरंग संख्या आई r 36, नचौक 36, 9 आ गया, 4 बराबर 5/36 आर, 5/36 आर। अब समझो लाइमन के लिए तरंग संख्या कितनी आई थी? 3/4, और यहां क्या आ रही है? 5/36 आर कम होगी। इसका मतलब लाइमन से बामर में आती तरंग संख्या का मान घटता है, तरंग संख्या घटेगी तो आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा घटेगी, बट तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा, वो उल्टा करती बढ़ जाएगा। ये तो आई तरंग संख्या का मान कौन सा? न्यूनतम। अब अधिकतम समझना, आर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/ अनंत का स्क्वायर, अनंत का स्क्वायर करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्या आएगा? 1/4 आर या आर 4, ये आ गया आर 4। अब ध्यान से देखो, ये 1/4 है जबकि ये 1/7 से भी ज्यादा है, 7×5=35 होता है, इसका मतलब ये तरंग संख्या ज्यादा है। तो न्यूनतम कितनी आई बामर श्रेणी के लिए? बामर श्रेणी के लिए न्यूनतम जो न्यू बार आएगा वो आएगा कितना था? एक न्यूनतम 5/36 आर, 5/36 आर, और अधिकतम कितना आया? आर बट्टा चार। लेमडा लेते रिवर्स कर देते, 36/5 आर और वो हो जाता 4/8। ये न्यूनतम तरंग संख्या की वैल्यू है। एक सीरीज के लिए क्या क्या चीजें लिखनी है वो आपको याद होनी चाहिए। N1 का मान, N2 का मान प्रकाश के किस क्षेत्र में होगी, न्यूनतम तरंग संख्या कितने और अधिकतम कितने। तरंग संख्या पता है तो तरंग दैर्ध्य अपने आप ज्ञात हो जाएगा, आवृत्ति अपने आप ज्ञात हो जाएगी। ऐसी बामर के लिए, ऐसी पाषाण के लिए, ब्रैकेट के लिए, फंड के लिए, हेमरी सीरीज के लिए, इन सब के लिए। अब जो बच गई ये सारी की सारी IR क्षेत्र में होगी, इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में होगी। बामर यूवी में, सॉरी लाइमन यूवी में, बामर विजिबल में, बाकी सारी की सारी IR। इनके लिए न्यूनतम तरंग संख्या, अधिकतम तरंग संख्या आप खुद ज्ञात करके लाओगे। N1 की वैल्यू सब में निश्चित होगी अपने जिस श्रेणी में ज्ञात कर रहे हैं। सबसे छोटी में N2 का मान लिखना है N1+1, सबसे बड़ी में लिखना है अनंत। तो आज के लिए इतना काम करके लाना, कल इसी को आगे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।